So today the date is 30th April. Okay, firstly I'll be taking the test discussion. So open up your test and check the test along with me. Give marks as I'm saying according to the entries. Self check, self assess where your entry went wrong, and then submit me the marks. Is it clear? So let's begin. I have scrolled through the test and I found various errors, but on the face of it, I mean on the phone, marks cannot be allotted. So you just do a self check to know where you are standing and what errors you are committing. Okay. So first question. Bharat Limited made the first call of 2 per share on its 1 lakh shares on 1st March. Ashok holder kehte first call mangwai. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन नहीं बताई हुई, अलॉटमेंट नहीं बताई, हम सीधा एंट्री फर्स्ट कॉल से करेंगे. तो इक्विटी शेयर एवरी एंट्री टू बी पास्ड इन जर्मन. इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, 1 लाख शेयर्स हैं, 2 रुपीज के हिसाब से कितनी हो गई, 2 लाख. ठीक है, फर्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री, चेक योर टेस्ट बेटा. अशोक होल्डर ऑफ 800 शेयर्स पेड द सेकेंड कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल. उसने सेकेंड कॉल इमेजिन करो जल्दी दे दी, यानी कॉल्स एंड मार्क्स. द सेकेंड कॉल वॉज ड्यू 3 मंथ्स आफ्टर एंड इट वॉज ऑफ 3 रुपीज. अच्छा, पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट अभी आता, पहले कॉल्स एंड एडवांस का अमाउंट आता. इट डजेंट मैटर इवन इफ यू पास दीज 2 एंट्रीज. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी मिलनी थी, 2 लाख. कॉल्स कितनी एडवांस में आई है, 800 शेयर्स पे 3 रुपये, 2400. टोटल कितना है, 2024000. ठीक है. अच्छा, ये वाली एंट्रीज कब हुई, ना एंट्री हमें क्लैरिटी देती है. तो इवन इफ यू पास द एंट्रीज नथिंग गोज रॉन्ग. 1st March 06, 3 मंथ्स लेटर सेकेंड कॉल हो, मार्च अप्रैल मई, यानी 1st June को सेकेंड कॉल हो. इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड. अच्छा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल नहीं है ना, दिस इज फर्स्ट कॉल ओनली. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर्स पे फाइनल कॉल है 3 लाख. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड. जो कॉल्स इन एडवांस खुला है, मैं वैसे भी इंटरेस्ट इसलिए करा रही हूँ कॉल्स इन एडवांस टॉपिक रिवाइज हो जाए. डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अपने अगली स्टेज पे डेबिट हो जाता है, यानी बंद हो जाता है. ठीक है, 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल कितने मिलने थे, 3 लाख. ठीक है, उसमें से एडवांस कितना मिला हुआ है, इतना. अब कितना मिलेगा, 2976000. ठीक है, अब अगर किसी ने मुझे पैसे एडवांस में दे दिए हैं, मैं उसको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस दूंगी. माई एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस, एज्यूमिंग लास्ट डे पे ही जिस दिन फाइनल कॉल थे उसी दिन हम इंटरेस्ट की एंट्री कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस फॉर्म का खर्चा, देयरफॉर डेबिट. किसको देना है, 2 सन्ड्री मेंबर्स, मेंबर्स को देना. ठीक है, 2400 के एडवांस है. अच्छा, डीज, अब वो रेट सारे को कितना रहते हैं, कैसे लर्न करवाया, गिव मोर टेक लेस, तो ये देना है. सो दैट वुड बी 12% और हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स, 72 रुपीज. ठीक है, एंड द लास्ट एंट्री, सन्ड्री मेंबर्स को पे भी कर दो. सन्ड्री मेंबर्स डेबिटेड टू कैश बैंक, सारी एंट्रीज बैंक से ही होंगी. और इंटरेस्ट की 3 एंट्रीज हैं, इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. 3 एंट्रीज होंगी इंटरेस्ट की, 1 ड्यू करो, दूसरा पे करो, तीसरा ट्रांसफ़र करो. All the entries will be passed on 1st June.
जिसने ये 3 entries पास किए हैं वो अपने आप को 3 marks दे दे, जिसने सारी किए वो भी अपने आप को 3 marks दे, 3 out of 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी कोई भी एंट्री गलत है या तीनों एंट्रीज में अमाउंट गलत है वो 0 mark दे। उसके तीनों एंट्रीज में अमाउंट गलत है वो 0 mark दे। सेकेंड क्वेश्चन, राम लिमिटेड परचेज बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट लिमिटेड किससे खरीदी, ये सब पे ठीक था, 2x लिमिटेड 6,60,000। ठीक है जी, आगे हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश, एक्स लिमिटेड डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश 3,30,000। बाकी कितना बच गया, एक्स लिमिटेड डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एवरी शेयर इज इश्यूड एट प्रीमियम। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अमाउंट ड्यू टू एक्स लिमिटेड कितना रह गया था, 660 में हाफ तो पे हो गया, अब 3,30,000 रह गया। एवरी शेयर ऑफ 100 इज इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10, तो टोटल कितने शेयर इशू किए, 3,000। अच्छा, एक्स लिमिटेड तो वेंडर तो जितने पे ओपन उतने पे क्लोज, मार्क माई वर्ड्स, वेंडर ने 660 वेंडर को देना था, 330 वी हैव ऑलरेडी पेड, नाउ वी आर सपोज टू पे 330, तो आई एम इशूइंग हिम शेयर्स ऑफ 3,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3,000 into कितना है 100, 3,00,000 एंड 3,000 into 10 30,000, इज इट क्लियर। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, मार्क्स फॉर दिस सम, मार्क्स फॉर दिस सम 4 marks हैं। सो इफ योर फर्स्ट एंट्री इज रॉन्ग 1 mark, राइट 1 mark, इफ योर सेकेंड इज करेक्ट 2 marks एंड थर्ड एंट्री विद द वर्किंग नोटिस फॉर 2 marks, सो चार्ज अकॉर्डिंगली, गिव अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट, थर्ड, ए लिमिटेड इशूड, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, 25,000 into 3 दैट वुड बी 75,000। प्रीमियम डोंट वो क्रेडिट प्रीमियम इन दिस एंट्री, प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड इन शेयर कैपिटल एंट्री ऑलवेज, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एस पी आर so that would be 75,000। अच्छा, अपना स्ट्रक्चर साइड पे बनना है, 3, 2+1 एप्लीकेशन, 4, 3+1 6, 5+1 13 हो गया, सो दिस वुड बी 25,000 into 2 50,000, 25,000 into 1 25,000। ठीक है, थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एस पी आर 25,000 into 2 25,000 into 4 1,00,000 25,000 into 3 75,000 25,000 into 1 25,000 At the time of receipt of first call, bank account debited to share allotment 1,00,000 1,00,000। ठीक है जी, नेक्स्ट, फिफ्थ,
शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड एंड फाइनली है ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR ठीक है हाउ मेनी शेयर्स 25,000 इंटू 6 दैट वुड बी 1,50,000 25,000 इंटू 5 1,25,000 25,000 इंटू 1 25,000 At the time of receipt of first call, bank account debited to share first call 1,50,000. Bank account debited to share first call 1,50,000. Okay. Question number 4. Okay. Now this question, there are 6 entries. सो गिव 6 मार्क्स 1-1 मार्क नहीं 3 मार्क कर लो इजी था क्वेश्चन ठीक है ना हाफ मार्क फॉर 1 एंट्री ठीक है इफ एनी ऑफ द एंट्रीज रॉन्ग अकॉर्डिंगली डिडक्ट द मार्क्स नाउ क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड हिज अरियर्स ऑफ 25 ऑन फर्स्ट कॉल व्हिच वाज ड्यू ऑन 1st मे बट वाज पेड ऑन 1st ऑगस्ट कहते एक बंदे ने 1 मई को पैसे देने थे ही पेड ऑन 1 अगस्त हाउ मेनी मंथ्स लेट मई जून जुलाई 3 मंथ्स लेट हाउ मेनी मंथ्स लेट 3 मंथ्स लेट कहते पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स विल बी चार्जिंग फ्रॉम हिम सो दैट वुड बी सन्ड्री मेंबर्स डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स ठीक है कितने हैं 200 शेयर्स पे 25 रुपीज 3 मंथ्स लेट ही हैज पेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स 10% So that would be 200 into 25 into 3 divided by 12 into 10 divided by percent in 100. So that would be 125. My next entry would be receive interest, bank account debited to sundry members. 125. And third would be interest will be transferred to statement of P&L. Interest will be transferred to statement of P&L. So that would be interest on calls in arrears debited. Interest on calls in arrears debited to statement of P&L. To statement of P&L. 125. Is it clear? Georgia. Next. Fifth question. A Limited was registered with a capital of rupees 5 lakh in shares of 10 each and issued 20,000 such shares at a premium of 2 per share. Structure banaye. On application 2. On allotment 5 on first call 2 made 3 months later ठीक है जी all the money 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे कहते हैं second call भी है not mentioned so it is hidden and you will not pass the entry for this okay now all money payable on application allotment was received but when the first call made one shareholder paid the entire balance of his share on first call. One person, he paid his entire balance on first call. It means this is calls in advance. This is calls in advance. Okay? On 300 shares. 300 shares. And another shareholder holding 1,000 shares did not pay the first call.
दिस इज कॉल्स इन अरियर्स, दिस इज कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, लेट्स बिगिन विद द एंट्रीज. हाउ मेनी शेयर्स इशूड? रजिस्टर्ड कैपिटल हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन. वी पास एंट्रीज ऑफर विद इशूड शेयर्स. बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 इंटू 2 40,000. शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज. टू शेयर कैपिटल 40,000. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. एस पी आर भी है ना? हाँ, प्रीमियम पे. सो दैट वुड बी 3+2. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. ठीक है ना? चलो अच्छा, कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स इंटू 5, 1,00,000. 60,000. 40,000. ठीक है, चलो आगे. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड है ना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड. ठीक है जी. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. हाउ मेनी शेयर्स? कितने हैं क्वेश्चन में शेयर्स? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैं भेजती हूँ उसे. ठीक है, सो 20,000 इंटू 2 40,000. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल. समबडी हैज नॉट पेड, कॉल्स इन अरियर्स, एंड समबडी हैज पेड इन एडवांस. 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल एडवांस में आ गई. 1,000 शेयर्स पे सेकेंड कॉल एडवांस में आ गई. 2 रुपीज़ नहीं आए. मिलना कितना था? इतना है ना? तो 40,000 प्लस 300. अच्छा, टोटल इज 12, नॉट 1, 3 है ये, है ना? 12 रुपीज़ का शेयर था. सो दिस इज 900. यहाँ पे आएगा 38,900. 12 का शेयर था. नोटेड डाउन. कंप्लीट दिस सम. आई एम कमिंग इन 1 मिनट. चलो जी, कंप्लीट योर सम. सो समबडी हैज पेड इन एडवांस. देयर आर फ्यू अरियर्स. नेक्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन. ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन निकालो जी. टेक आउट. ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन. सृजन लिमिटेड Srijan Limited issued rupees 10 lakh capital divided into 100 shares. तो rupees 10 lakh है. When I will divide it by 100, I will get number of shares.
ऑमिनिशियस 10,000, ठीक है जी। मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन 10, ऑन अलॉटमेंट 40, 30+10, ऑन फर्स्ट कॉल बैलेंस 120, 120 माइनस 50, 70, चलो जी। ओवर पेमेंट्स वुड बी अप्लाइड टूवर्ड सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कहते जो भी फालतू पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जिसको कोई अलॉटमेंट नहीं मिली हिज मनी वुड बी रिफंडेड। लाइन इज वेरी गुड। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। ट्रांसलेटेड इन हिंदी के इशू 13,000 शेयर से ज़्यादा है। इट मीन्स पब्लिक अप्लाइड फॉर 23,000 शेयर्स। वेरी गुड पॉइंट। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। इट मीन्स वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 23,000 शेयर्स। चलो जी, लिखा हुआ है एक्सेस हमने फर्स्ट कॉल में भी लेके जाना है। एडजस्टेड टू फर्स्ट कॉल बैंक ऑब्लिक रिफंड। फाइन, शेयर्स अप्लाइड, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000 थे, इश्यू ओवर सब्सक्राइब बाय 13,000 शेयर्स। इट मीन्स एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10+13, 23,000 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स हैव वी ऑफर्ड? 10,000। ओके, कहते हैं एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स। दोज हु हैड अप्लाइड फॉर 12,000 वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स। लेट्स सॉल्व दिस कैटेगरी फर्स्ट। 12,000 इंटू 10, दैट वुड बी 1,20,000। 2,000 इंटू 10, दैट वुड बी 20,000। हाउ मच एडवांस? 1,00,000। 12,000 इंटू 10 एप्लीकेशन मनी रिसीव 1,20,000। 2,000 इंटू 10 एप्लीकेशन मनी ड्यू 20। हाउ मच एडवांस? 1,00,000। 2,000 इंटू 40, हाउ मच इज अलॉटमेंट? 80,000। स्टिल लेफ्ट विद एन एडवांस ऑफ 20, आई विल बी पुटिंग इट इन फर्स्ट कॉल। आई रिपीट द कैटेगरी। 12,000 इंटू 10 अमाउंट रिसीव 1,20,000। 2,000 इंटू 10 ड्यू 20,000। हाउ मच इज द एक्सेस? 1,00,000। 2,000 इंटू 40, 80,000। स्टिल लेफ्ट विद एन एडवांस ऑफ 20, दैट विल बी एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल। ठीक है, चलो आगे। एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट। 3,000 इंटू 10 कितना है? 30,000। दे वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट, यानी दे वर रिफंडेड। ठीक है, चलो जी, टोटल करें। मैंने क्या बताया? आई नीड द कॉलम्स आफ्टर एक्सेस। 80,000, 20,000 एंड 30,000। ठीक है, चलो जी। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं? 23,000 शेयर्स टोटल इनटू एप्लीकेशन मनी 10, 2,30,000। ओवर सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज ट्रीटेड इन एंट्री नंबर 2। ध्यान से देखना। सॉल्व दिस पेपर अगेन विद मी टू गैदर कॉन्फिडेंस। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू बैंक। ठीक है, जितने पे ओपन उतने पे क्लोज। शेयर कैपिटल पहले ये वाले डाल दे। बैंक में वी विल बी पुटिंग रिफंड अमाउंट। फर्स्ट कॉल में 20,000, अलॉटमेंट में 80,000, एंड बैलेंस ओवर हियर, बैलेंस वुड बी 10,000 इनटू 10, 1,00,000। जस्ट चेक द टोटल, 1,80,000, 2,00,000, 2,30,000। ठीक है जी। नाउ रेस्ट ऑफ द एंट्रीज। एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR। अब भूल जाओ पुराने शेयर्स को, 10,000 शेयर्स हैं। इनटू अलॉटमेंट कितनी है? 40, 4,00,000। 10,000 इंटू 10,
premium 1 lakh and 3 lakh over here. At the time of receipt of first call, bank account debited. At the time of receipt of first call, bank account debited 2 share allotment. Allotment कितनी मिलनी थी? 4 lakh. Already कितनी मिल चुकी है? 80. Now we'll be receiving 3,20,000. ठीक है. Share first call debited 2 share capital. What was the balance of first call? What was the balance of first call? 70. So that would be 10,000 into 70. 7 lakh. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 share first call. 7 lakh में से आप ऑलरेडी रिसीव आई गेस 20. फर्स्ट कॉल के कितने मिले हुए हैं? यस 20. तो अब कितने मिलेंगे? 680. जो आपको कई बार क्वेश्चन में एक मेजर चीज़ दिखेगी वो क्या है, जो उन्होंने ना 2 share first call की जगह क्या लिख दिया है, दे हैव रिटन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कॉल 2 calls in advance. वॉट हैव रिटन? 2 calls in advance. कुछ भी लिख सकते हो, बोथ वेज इट्स करेक्ट. ठीक है. और फिर उसके बाद अगर आपने कॉल्स इन एडवांस लिखा, फिर वो कॉल्स इन एडवांस यहाँ बंद होगा. देन यू हैव टू क्लोज कॉल्स इन एडवांस 20. ठीक है. अलॉटमेंट के लिए कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखना. यू कैन जस्ट राइट कॉल्स इन एडवांस फॉर फर्स्ट कॉल. सो दैट दे आर दीज आर लेटर ऑफ थिंग्स जिसमें हमने इसको इम्प्रूवमेंट प्रेजेंटेशन को कराना होता है. सो वी कैन यू आर ओमिटेड अभी के लिए वी कैन लीव बिकॉज दिस इज एन इम्प्रूवमेंट पार्ट. अभी के लिए आप 2 share first call से भी कर लेंगे. इट वुड बी मोर देन सफिशेंट. ठीक है. सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? या सर, अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3 lakh इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10. स्ट्रक्चर बनाएंगे. लेट्स मेक द स्ट्रक्चर. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, मार्किंग स्कीम क्या थी इस क्वेश्चन की? 1-1 mark फॉर ईच एंट्री. ठीक है. सो 6 out of 6. और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी 1-1 mark फॉर ईच एंट्री. 6 marks का क्वेश्चन था. ठीक है. चलो जी, स्ट्रक्चर बनाए. ऑन एप्लीकेशन वी हैव ₹3. ऑन अलॉटमेंट 4, इंक्लूडिंग प्रीमियम. और प्रीमियम है कितना देख लेते हैं. ऑन अलॉटमेंट 4, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4, 4, 8, 9, 10, 11. So this would be 3+1. This would be 3+1. चलो जी आगे. हाँ जी, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट. कॉल में भी क्या है पैसा? समडे अलॉटमेंट एंड कॉल. यस, हमेशा नहीं जाता है, टाइम्स इट माइट नॉट गो. एंड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, सपोजिंग के अलॉटमेंट के बाद एक्सेस बचता और उन्होंने नहीं कहा कॉल में डालना, तो अब बैंक में डाल देंगे. यू विल पुट इट इन द बैंक. एक्सेस एडजस्टेड टू कॉल, इसमें तो कहा है कॉल में डालना है, बैंक. ठीक है जी. कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? देयर वाज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 36,000 शेयर्स. हाउ मेनी शेयर्स हैव वी ऑफर्ड? वी हैव ऑफर्ड 20,000 शेयर्स. ठीक है जी. लेट्स रीड द स्ट्रक्चर. टू एप्लीकेंट्स ऑफ 15,000 शेयर्स आई हैव अलॉटेड हाउ मेनी शेयर्स? 15,000. कैटेगरी वाइज चलेंगे. और रिमेंबर, फुल कैटेगरी में तो एडवांस का देर इज नो पॉइंट, है ना. फुल अलॉटमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है.
45,000 शेयर्स के लिए 45,000 रुपीज मिले, बनते भी 45,000 थे, नो एडवांस. टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2,500 शेयर्स नील, 2,500 इंटू 3, वी हैव रिसीव 7,500 बट नो शेयर अलॉटेड सो वोटेड इन रिफंड. टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 18,500 शेयर्स 5,000 मिले, चेक भी कर लो टोटल्स हो गए. हाँ इधर का टोटल है 18,500, 18,500 प्लस 2,500 प्लस 15,000 दैट इज 36,000 और उधर भी 20,000. 18,500 इंटू 18,500 इंटू 3, 18,500 इंटू 3 दैट वुड बी 555,000, 555,000. और 5,000 इंटू 3 बनता कितना है, बिकॉज दे हैव बीन अलॉटेड 5,000 शेयर्स, 5,000 इंटू 3 15,000. हाउ मच एडवांस दे हैव पेड, माइनस 15,000, 40,500. 5,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी बनती है, 20,000. आई हैव दिस मच एडवांस, आई कैन एडजस्ट होल ऑफ अलॉटमेंट, एम आई राइट. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, 5,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितनी बनती है, 20. अगर मैं 40,500 में से 20 अलॉटमेंट के काट दूँ, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने के लिए कितने, 20,500, बट बनते कितने थे, 20,000. तो 500 रुपीज़ क्या गया, रिफंड. स्टार मार्क करो बेटा, ये ओवर सब्सक्रिप्शन सॉल्व इट 2 times, 3 times, 4 times, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई रिपीट, 18,500 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 5,500 आया. 5,000 इंटू 3 कितना बनता था, 15,000. हाउ मच इज एडवांस, 40,500. 5,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितनी बनती है, 5,000 इंटू 4 20,000. कितना एडवांस आया हुआ है, 40,500, उसमें से 20 एडजस्ट हो गया, फिर भी कितने रह गए, 20,500. 5,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितनी है, 5,000 इंटू 4 20,000. हाउ मच इज द एडवांस, 40,500. 20 सारा अलॉटमेंट का भी एडजस्ट हो गया, 20 फर्स्ट कॉल का भी एडजस्ट हो गया, स्टिल लेफ्ट विद एन एडवांस ऑफ 500 दैट वुड बी रिफंडेड. ठीक है, नाउ लेट्स मेक द एंट्रीज, दिस वॉज अ गुड वन. ओके, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स के एप्लीकेशन आई, आई हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 36,000 शेयर्स. 36,000 इंटू 36,000 इंटू 3, सो दैट वुड बी 36 इंटू 3 दैट वुड बी 1,08,000. ठीक है जी, अगर शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज, 1,08,000. टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू बैंक. ओवर सब्सक्रिप्शन इज ट्रेटेड इन एंट्री नंबर 2, ओवर सब्सक्रिप्शन इज ट्रेटेड इन एंट्री नंबर 2. टोटल्स कर दो, आई नीड द टोटल्स आफ्टर एक्सेस. दिस इज 20, दिस इज 20, दिस इज 8, डाल दीजिए, पुट इट इन द वैल्यू. अलॉटमेंट 20,000, फर्स्ट कॉल 20,000, बैंक 8,000, एंड कैपिटल, कैपिटल वुड बी हाउ मच, कैपिटल वुड बी हाउ मच, जितने शेयर्स मैंने ऑफर किए हैं, कितने शेयर्स मैंने ऑफर किए हैं, 20,000 इंटू 3 दैट वुड बी 60,000. ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 1,08,000. ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट शेयर, बाकी एंट्रीज हो गई, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू SPR, है ना, कितनी है अब शेयर्स, 20,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट इज 4, 3 + 1, 20,000 इंटू 4 80,000, 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 1 20,000. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, 80 में से ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 20, सो हाउ मच आई विल बी रिसीविंग, 60,000.
80 में से ऑलरेडी 20 मिल चुके हैं. हाउ मच आई विल बी रिसीविंग? 60,000. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 4, दैट वुड बी 80,000. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल. 80 में से हाउ मच आई हैव रिसीव्ड अर्लियर? आउट ऑफ 80 आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 20. सो हाउ मच आई विल बी रिसीविंग? 60,000. इज इट क्लियर? एंड माय सम इज ओवर. सो अगेन दिस क्वेश्चन वुड कैरी हाउ मेनी एंट्रीज? 6 एंट्रीज. सो दिस क्वेश्चन विल अगेन कैरी 6 मार्क्स. तो टोटल टेस्ट कितने मार्क्स का हुआ? 6, 6, 12 and 6, 18 and 3, 21, 21 and 3, 24, 24 and 4, 28, 28 and first question was of how many marks? 31 marks का test है. So just evaluate yourself how many marks you are getting in this test and solve these questions again because these are very important. So let us have another 10 minutes lecture on 4 feature of shares originally issued at premium continued because chapter हमने अगले हफ्ते complete करना है. होगा नहीं अगर हम थोड़ा और अगर timely नहीं करेंगे. So write down the topic. And you haven't messaged me the sums for I asked you कि वो वर्क पेपर में से सारे निकल गए हैं. सो आई एम एज्यूमिंग कि या आपने किए नहीं या सारे ही निकल गए. सो आई एम कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर. फोर फीचर ऑफ शेयर्स originally issued at premium. अच्छा अगर शेयर प्रीमियम में इशू हुआ हो. केस वन, when securities premium is received in cash. ऐसे बनाओगे आप और ऐसे लिखोगे. when securities premium is received in cash. तो लिखो इग्नोर प्रीमियम इन फोर फीचर एंट्री एज इट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड. क्योंकि ये पहले ही मिल चुका है. सो माई एंट्री वुड बी सेम एज दैट ऑफ पार. कैंसल द शेयर. शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. ठीक है. एंड केस टू, व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड इन कैश. सो कैंसल प्रीमियम इन फोर फीचर एंट्री. तो अब एंट्री क्या चेंज हो जाएगी? जस्ट राइट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट. शेयर कैपिटल डेबिटेड SPR debited to share forfeiture two calls in arrears. Share capital debited SPR debited to share forfeiture two calls in arrears. Share capital में जाएगा number of shares forfeited into called up value जितना मंगवाया. SPR में जाएगा number of shares forfeited into premium नॉट रिसीव्ड जितना प्रीमियम नहीं मिला. शेयर फोर फीचर में जाएगा अमाउंट रिसीव्ड. कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड. ठीक है. आई एक्सप्लेन यू विद द बिगर सम. सो लेट्स चेक केस वन. एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स of rupees 10 each at a premium of 20%.
money payable, on application 3, on allotment 5, balance on first call. 10 वाला शेयर 2 रुपए प्रीमियम पेश हुआ यानी 12. हाउ मच इज द बैलेंस? 4. नाउ प्रीमियम क्वेश्चन साइलेंट इज एट अलॉटमेंट स्टेज. एम आई राइट? अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल. इट मीन्स ही हैज पेड application, he has paid allotment, he has not paid first call. Since he has paid allotment, he has paid premium as well. Am I right? He has paid allotment. Allotment stage में premium था, इसका मतलब उसने premium pay कर दिया. तो मैंने आपको क्या कहा, जब मुझे premium मिल चुका है entry में, so क्या करेंगे, if securities premium is received in cash, ignore premium in 4 future entry. तो हम premium को क्या कर देंगे, ignore, हमने इसको consider नहीं करना. It will be my normal entry, share capital debited to share forfeited account to calls in arrears account. ठीक है, क्यों? जो income मुझे मिल चुकी है वो income मैं, वो मेरी है, उसको मैंने कुछ नहीं करना. आई मीन जैसे किसी ने मुझे फीस दे दी, अब द चाइल्ड डजेंट वॉन्ट टू स्टडी, द फीस विल नॉट बी रिफंडेड. ठीक है, तो द इनकम विच इज रिसीव्ड इट्स इन माई पॉकेट, आई विल नॉट कैंसल इट. ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब नॉर्मल एंट्रीज हो गई. शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स फोरफीटेड एंड 80 शेयर्स री इशूड एट द रेट ऑफ 9 ईच, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड. पेड अप वैल्यू की तीनों डेफिनेशन समझ में आनी बहुत ज़रूरी थी. चलो करें स्टार्ट. बैंक अकाउंट debited to share application. कितने शेयर्स की एप्लीकेशन? 30,000 into 3, that would be 90,000. Share application account debited to share capital 90,000. No problem till here. ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर. ठीक है, कितना है? 30,000 शेयर्स पे 5, सो दैट वुड बी 1,50,000. 30,000 इंटू 3 90, 30,000 इंटू 2 60. एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट एवरीबडी हैज पेड टू शेयर अलॉटमेंट. फाइन, ठीक है, ओके. नाउ शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 4 1,20,000. जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, किसी ने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन अरियर्स डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल कितनी मिलनी थी? 1,20,000. ठीक है, फर्स्ट कॉल कितनी मिलनी थी? 1,20,000. क्या है कॉल्स इन अरियर्स? 100 शेयर्स पे 4 रुपीज नहीं मिले, 400, तो कितने मिले? 1,20,000 ही मिलनी थी. यस, सो 100 शेयर्स पे 4 रुपीज नहीं मिले, तो कितने मिले? 1,20,000 माइनस 400, दैट वुड बी 1,19,600. ठीक है जी, अब हमने इसके शेयर्स कैंसिल कर दिए. एंट्री क्या आई? शेयर कैपिटल डेबिटेड टू शेयर्स फोरफीटेड टू कॉल्स इन अरियर्स. प्रीमियम को कैंसिल नहीं करना. 100 शेयर्स, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती, 12 से कभी भी मल्टीप्लाई मत कर देना. 1,000 कॉल्स इन अरियर्स, 400 शेयर फॉर फ्यूचर, 600. सो इफ एसपीआर इज रिसीव्ड, इग्नोर एसपीआर इन फोर फ्यूचर एंट्री. क्वेश्चन में नहीं इग्नोर करना, फोर फ्यूचर एंट्री में. सो 80 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9, 720,
टू शेयर कैपिटल, जिसने सिस्टमेटिकली मेरे टेस्ट वर्क पेपर्स और कॉपी भी कर ली ना, उसको शेयर कैपिटल आता है। सो सॉल्व माई कॉपी एंड प्रिपेयर नोट्स थॉरली। 80 पार्शल रेशियो लगा दो। आई विल बी पुट पार्शल रेशियो ऑन 100 शेयर्स, शेयर फॉर फ्यूचर इज 600, ऑन 80 शेयर्स, शेयर फॉर फ्यूचर वुड बी 600 अपॉन 100 इंटू 80, दैट इज 40। फोर एट्टी माइनस यूज कितना है 80, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व कितना आया, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व 400। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द सम्स। ठीक है, सो व्हेन एसपीआर इज रिसीव्ड इन कैश, इग्नोर एसपीआर इन फॉर फ्यूचर एंट्री, पास द क्वेश्चन इन नॉर्मल, ठीक है ना, एंड सॉल्व इट। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई हैव डिस्कस्ड अ टेस्ट, आई हैव डिस्कस्ड एसपीआर सम, सॉल्व इट। ठीक है ना, कल केस टू करेंगे और कल कुछ और सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे को जितना फोर फीचर हो गया है उसका टेस्ट लेंगे हम। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।